हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से ये आपको नियम याद हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही डाउन है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो आपको जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको इधर कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें सबसे पहले ऊपर होगा भैया क्वालिटी का, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे देखना है तो एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस नियम को हमने यहाँ पर लिख दिया है केवल आपके संतुष्टि के लिए, हमने नियम यहाँ पर लिखा है। परंतु मैं आपको यहाँ से याद ही नहीं कराऊंगा, फिगर से आपको ये नियम याद हो जाएगा। तो चलिए हम फिगर से ही समझते हैं क्योंकि याद करना हमारा मेन मकसद है ना। तो फिगर से हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम बाएं हाथ एक बना लेते हैं, बाएं हाथ है ना। तो बाएं हाथ के हम यहां पे कुछ फिगर बना रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो मैं यहां पे तीन अंगुलियां बना रहा हूं। सबसे पहले ये बाएं हाथ की तीन अंगुलियां हैं। पहला है भैया ये है अंगूठा, आपको नाम याद रखना है, ये अंगूठा है, ये है तर्जनी, ये है माध्यिका, समझिएगा। ये हमने तीन अंगुलियां बनाई हुए हैं। सबसे पहला है अंगूठा, ये वाला है तर्जनी, ये वाला है माध्यिका। तो सबसे पहले तो अंगूठा तो बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा कि ये वाला जो है ये अंगूठा है। तर्जनी किसे, तर्जनी इस वाले को कहते हैं, और माध्यिका सबसे बीच वाले को, इस वाले को कहते हैं। तो इतनी बात पता चल गया होगा, ये अंगूठा है, ठीक है, ये तर्जनी है और ये माध्यिका है। तो हमने कहा कि दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं। ये तीनों क्या चाहिए, परस्पर लंबवत होने चाहिए, इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, ये देखिए 90 डिग्री का इन लोग, इनके तीनों के बीच कोण बन रहा है। तो हम यही कहेंगे कि देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा जो है वो भैया चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, गति की दिशा को प्रदर्शित करें। सबसे पहली बात, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, और जो तर्जनी है ये भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, और जो माध्यिका है वो भैया चुंबकीय प्रेरण की दिशा को, मतलब ऐसे हम लिखे चुंबकीय प्रेरण ने प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, समझिएगा। या तो आप प्रेरित धारा कहिए या आप प्रेरित विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तभी भैया प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। क्योंकि भैया जब हमने ऑस्टेट का प्रयोग पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि कैसे कैसे होता है, ठीक है, सब कुछ। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने यही कहा कि आप इसको नियम को यहीं से याद करेंगे। कैसे, आप कहेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। यही तो ये नियम है भैया। केवल आपको मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही इजी शब्दों में हम यहाँ पे बताए हैं इस फिगर के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि हमारा समझना मेन मकसद है, ठीक है। आप बुक में ऐसे फिगर मत बनाइएगा, ठीक है, या आप देख कर आपको फिगर बनाना आता होगा तो बुक से आप देख लीजिएगा कैसे बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि मैं फिगर बनाता तो बहुत टाइम लगता है। केवल हमने तीन उंगलियां बना दिया है, आप समझ सकते हैं कि ये अंगूठा है, ये वाले को अंगूठा हमने कहा है, ये वाले को तर्जनी और ये वाले को माध्यिका। हमने कहा कि
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आप इसी प्रकार किसी का भी नियम हो या डेफिनेशन हो उसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सभी में समझाता हूँ और वीडियो में ही याद करा देता हूँ भैया। ठीक है, यदि आप पढ़ते होंगे तो आप जानते ही होंगे। तो यही तो हमने यहाँ पे नियम में लिखा है, हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। यही ये नियम है। तो आशा करते हैं कि आप ये नियम यहीं से बोलकर आप लिख लेंगे, आपको यहाँ से हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी मैं एक बार अंत में बोलूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमज़ोर हैं, जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं सभी के लिए ना पढ़ा रहा हूँ भैया, तो उनके लिए भी और जो समझ गए हैं भैया, एक बार प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए। ठीक है, आप बोलेंगे क्या कहेंगे कि दाएं हाथ के, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करें या दर्शाएं। ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो आशा करते हैं कि आपको ये नियम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको लग रहा होगा कि हाँ आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है। यदि आप भी ऐसे कोई टॉपिक है जो आपके स्कूल में कोचिंग में समझ में नहीं आता है, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर। जैसे मान लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो आप लिखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ट्रिक्स ब्रदर सर या ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि क्लास टेंथ हो या क्लास ट्वेल्थ हो, उसका चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। तो क्या, तो आप उसको पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और लिंक को प्राप्त कर लेना है। आपको मैसेज में क्या लिखेंगे, मान लेते हैं आपको क्लास टेंथ का पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप लिखिए क्लास टेंथ फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने पूरे सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।